हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करेंगे स्कूबा डाइविंग। आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रेनर हमें अंडर वाटर डाइविंग के रूल्स और साइन लैंग्वेज बता रहे हैं। सोचा तो हमने था कि हमें भी मूवीज़ की तरह कैटरीना कैफ जैसी कोई ट्रेनर मिलेगी, पर हमारा लक हमें ये अंकल मिले। वैसे अंकल ने भी हमें अच्छे से समझाया कि पानी के अंदर सांस कैसे लेनी है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है, और भी कई बातें जो फ़िलहाल मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि अंकल का इंग्लिश एक्सेंट हमारी समझ से थोड़ा परे था। तो जो भी हमने इनसे समझा वो साइन लैंग्वेज के थ्रू ही समझा। और फिर इस छोटी सी ट्रेनिंग के बाद हम सब ने समंदर में डुबकी मारी और अंडर वाटर को एक्सप्लोर करने चल दिए। अगर आपको कभी लाइफ में ये एक्टिविटी करने का मौका मिले तो आप ज़रूर करना, क्योंकि इससे पहले ऐसा सीन मैंने सिर्फ डिस्कवरी या नेट जियो पर ही देखा था। पर जब आप खुद इसका एक्सपीरियंस लेते हैं तो बिल्कुल अलग होता है। जब मछलियां आपको टच करते हुए निकलती हैं तो कैसा लगता है वो बताया नहीं जा सकता, बस फील किया जा सकता है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या नॉन स्विमर्स ये कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आपके साथ ट्रेनर रहता है जो आपको अंडर वाटर गाइड करता है और स्विम करने में भी हेल्प करता है। ये एक्टिविटी 30 से 45 मिनट की होती है क्योंकि सरेंडर में उतने टाइम के लिए ही ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। टाइम पूरा होते ही आपको ट्रेनर वापस सरफेस पर ले जाता है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पानी का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। और अब हम पानी से बाहर आ चुके हैं। इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।